हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टैटिक्स के जो अपने पास एग्जांपल बच गए थे उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। अब स्टेटमेंट क्या है, एग्जांपल नंबर 4 है मेरे पास। 3 इक्वल स्ट्रिंग्स ऑफ नो सेंसेबल वेट दैट आर नॉक्ड टूगेदर टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी एंड डब्ल्यू इज वेट सस्पेंडेड फ्रॉम ए। If the triangle and the weight be supported with BC horizontal by mean of two string at B and C each at angle of 135 degree with BC, show that the tension in BC is, ये प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, अब मैं आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले क्या बोला गया है, 3 इक्वल स्ट्रिंग्स ऑफ नो सेंसिएबल वेट आर नॉक्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले 3 स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है, तो 3 स्ट्रिंग बना लेते हैं। किस तरह से अरेंज किया है इनको, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या किया है, अरेंज किया है। ये मेरे पास क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 स्ट्रिंग है, नाम दे लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, ये मेरे पास क्या है, सी पॉइंट। इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो 60 60 60 होते हैं, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होता है, जब तीनों एंगल क्या हो, सेम हो। तो 3 स्ट्रिंग है तो तीनों स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन मान लेते हैं T3 है, इसकी वजह से T3, ठीक है, इस वेट की वजह से T3। अब इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो कितनी है मेरे पास, T1 है, राइट। और ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर भी जो मेरे पास टेंशन है वो कितनी है, T1 है। राइट, क्या बोला गया, 3 इक्वल स्ट्रिंग्स ऑफ नो सेंसिएबल वेट आर नॉक्ड टूगेदर टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी एंड ए वेट डब्ल्यू इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए। एक वेट है डब्ल्यू जिसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, लटका देते हैं, ठीक है। ये वेट कितना है, डब्ल्यू। अगर मैं ये वर्टिकल लाइन बनाता हूँ पूरी, तो क्या होगा, ये एंगल मेरा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, और ये 60 है पूरा, तो ये क्या करेगी, इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देगी 30 30 के अंदर, ठीक है। अब आगे देखो, इफ द ट्राइंगल एंड द वेट बी सपोर्टेड विद बी सी होरिजोनटल, ठीक है। अभी क्या है, ट्राइंगल और ये वेट इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि यहां पर इसको क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया, सपोर्टेड विद बी सी होरिजोनटल बाय मीन टू स्ट्रिंग्स एट बी एंड सी ईच ऑफ एंगल 135 डिग्री। तो ये सपोर्ट कर रहा है भाई, ठीक है, ये सपोर्ट करेगा तो यहाँ पर टेंशन एक्ट करेगी, क्या करेगी, टेंशन एक्ट करेगी। सिमिलरली यहाँ पर टेंशन एक्ट करेगी, ये जो टेंशन है ना T2, इसका एंगल दे रखा है, ध्यान से समझना, मैं एक बार ही और लाइन पढ़ रहा हूँ, अगर समझ में आए तो डेफिनेटली सुनना, ध्यान से समझ में आ जाएगा। इफ़ द ट्राइंगल एंड द वेट बी सपोर्टेड विद बी सी, ठीक है, क्या है ये ट्राइंगल और ये वेट सपोर्ट है, कहाँ पर सपोर्ट दे रखा है, मान के चलो इनको सपोर्ट दे रखा है अपने बी और सी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, इफ द ट्राइंगल एंड द वेट बी सपोर्टेड विद बी सी होरिजोनटल बाय मीन ऑफ ए स्ट्रिंग एट बी एंड सी ईच ऑफ एंगल 35 विद बी सी। ये जो एंगल बना रहे हैं बी सी के साथ, ये कितना है, 135 डिग्री, ठीक है। आप ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ऐसे समझो, अगर समझ, ध्यान से देखना एक बार, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को कड़े जाओगा भाई, ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को आपने क्या किया, जो भी को नहीं मानता यार, इसको यहां पर बांध दिया और इसको यहां पर बांध दिया, ठीक है। सपोर्टेड का मतलब है ये जो पॉइंट है ना मेरे पास, ऐसे देखो, ये बी है, ये सी है, इसको है ना यहां पर रस्सी के साथ बांध दिया, यहां पर रस्सी के साथ बांध दिया, इसको क्या दे दी, सपोर्ट दे दी। यही तो बोलते हैं सहारा देना, इस ट्रायंगल को क्या दे दिया, सहारा दे दिया, यानी कि सपोर्ट दे दी। एक सपोर्ट दी वो बी पॉइंट के ऊपर यहां पर, और एक सपोर्ट दी यहां पर, और जो ये बी सी के साथ एंगल बना रहे हैं ना, ये 135 डिग्री है, मैंने लिख दिया,
ठीक है। सिमिलरली ये एंगल भी कितना है मेरे पास, 135 डिग्री है। समझ गए, ये आप लोगों के पास क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद बोला क्या गया है, एंगल ऑफ 135 विद बीसी सो दैट द टेंशन इन बीसी, बीसी क्या है मेरे पास, ये है। बीसी के अंदर टेंशन कितनी है, T3 है। तो बीसी के अंदर जो टेंशन है T3, उसको आप लोगों को क्या प्रूफ करना है, उसको प्रूफ करना है W by 6 अंडर द रूट 3 माइनस रूट 3। अब है ना, कई लोग बोल देंगे कि आपने यहाँ पर T2 लिया है, यहाँ पर T2 लिया, मैं तो यहाँ T3 लूंगा। ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने T1 लिया है, T1 आप यहाँ T2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट इसने लाइन क्या बोली है, बट द टेंशन इन BC जो होगी वो अपने को ये प्रूफ करनी। तो टेंशन क्या है BC के अंदर, T3 है। तो आप इसको T2 लोगे तो T2 इक्वल टू दिस, T1 लोगे तो T1 इक्वल टू दिस। समझ रहे हो। अब देखो, सबसे पहला काम क्या है अपने को, टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सी बात ये, T1 और T3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, लेमिस थ्योरम लगा दो, लेमिस थ्योरम लग सकती है। देखो ये मेरे पास क्या है, T1 है, ये भी मेरे पास क्या है, T1 है, और ये भी मेरे पास क्या है, W है, ठीक है। ये एंगल कितना है, 60 है। अब ये एंगल बात आती है, तो इसके लिए देखो, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल कितना है, 30, और ये पूरा कितना होगा, 180। 180 में से 30 माइनस करूंगा तो कितना बचाएगा, 150 बच जाएगा। सिमिलरली ये जो एंगल है, अगर ये पूरी लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये 30 है, ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। पहला मेथड तो ये है भाई। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड मेरे पास ये है कि इस डायरेक्शन के अलोंग, जैसे कि मेरे पास वेट नीचे एक्ट कर रहा है, टेंशन यहाँ पर है T1 है, एक टेंशन मेरे पास यहां पर है T1 है, ये एंगल कितना है, 30 है, ये एंगल कितना है, 30 है। कंपोनेंट कर सकते हो, अगर T1 के कंपोनेंट करता हूं, जिस साइड कोस होता, जिस साइड थीटा होता है, उस साइड कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस वाला, तो इस साइड कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, T1 कोस थीटा। सिमिलरली इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, T1 साइन थीटा, ठीक है। ये कंपोनेंट इस साइड आ गया। अब T1 के इस साइड कंपोनेंट करेंगे, इस पहले तो इस T1 के कंपोनेंट की आपने, T1 cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी, 30 आप पुट कर दो भाई। सिमिलरली यहाँ पर 30 पुट कर दो। अब इस T1 के कंपोनेंट करेंगे तो इसका भी तो इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, T1 cos थीटा, यानी कि cos 30, और इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, T1 sin 30। ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, इस साइड क्या बच गया, 2T1, T1 cos थीटा प्लस T1 cos थीटा, तो 2T1 cos थीटा, ठीक है। ये ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू W के इक्वल होगी। अब cos 30 क्या होता है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ cos 30 की वैल्यू क्या होती है, इंग्लिश में लिख देना, नहीं लिखा जाए तो। तो यहाँ पर मेरे पास 2T1 रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू W, तो ये गया 2 से 2, तो यहां से T1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आई भाई, T1 की वैल्यू आ गई W बाई रूट 3, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, T3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो T3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए B पॉइंट के ऊपर लेमिस थ्योरम लगा, B पॉइंट के ऊपर लेमिस थ्योरम लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, या कंपोनेंट कर लो और कंपोनेंट को इक्वल कर दो, बाकी तीन फोर्सेस लग रही है, लेमिस थ्योरम लगा दो। जल्दी से बोलो, ये T1 की वैल्यू आ गई, स्क्रीनशॉट लेना इसका, ले लो, मैं रफ कर रहा हूं। तो देखो ये B पॉइंट है, ये मेरे पास क्या है, T3 है, यहां पर मेरे पास क्या है, T2 है, और नीचे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास T1 है, ठीक है। जो T2 है ना, वो एक्चुअली कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि ये एंगल 135 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल कितना है, 135 डिग्री, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब ये एंगल कितना बच गया भाई, 360 में से माइनस कर दो, 135 और 60 कितना हो गया, 591, और ये 360 में से माइनस कर दो, 360 में से माइनस करोगे तो ये एंगल कितना बचेगा, 15 में से 9 गए, 9 6 15 और 1 165, तो ये एंगल कितना आ गया, 165 आ गया। अब लेमी थ्योरम लगाओ, लेमी थ्योरम लगाएंगे तो लेमी थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो, T2 अपॉन साइन ऑफ T1
टी टू के सामने वाला एंगल कितना है, टी टू के सामने वाला 60 है, लिख दिया 60, ठीक है, टी टू के सामने वाला एंगल 60 है। अब लिखो टी वन, टी वन के सामने वाला एंगल साइन ऑफ 135 है, और टी थ्री के सामने वाला एंगल है साइन ऑफ 165। तो इसको लिख सकते हो साइन ऑफ 60, ये कितना हो जाएगा टी वन साइन ऑफ 180 माइनस 45, 180 हो जाएगा, ठीक है, और T3 के सामने साइन ऑफ 180 माइनस कितना होगा 570 और 15, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ थीटा होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा दैट इज साइन ऑफ थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, टी टू अपॉन साइन ऑफ 60, टी वन अपॉन साइन ऑफ 45 और टी थ्री अपॉन साइन ऑफ 50, साइन ऑफ 50। अब जनरली वैल्यू किसकी चाहिए अपने को, टी थ्री की वैल्यू चाहिए, टी वन की वैल्यू आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इन दोनों टर्म को इक्वेट करो भाई। अगर इन दोनों टर्म को मैं इक्वेट करता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, इन दोनों टर्म को इक्वेट करते हैं तो वैल्यू आएगी टी थ्री इज इक्वल टू टी वन साइन 40 साइन 15 साइन 15 अपॉन साइन 45। T1 की वैल्यू पता है क्या है, W बाई रूट थ्री साइन 15 अपॉन साइन 45, समझ गए। अब साइन 15 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, ये आप लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करनी है। साइन 15 की वैल्यू पुट कर दो, साइन 45 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से जो मेरे पास टी थ्री आएगा वो आएगा डब्ल्यू बाई सिक्स थ्री माइनस रूट थ्री। साइन 15 कैलकुलेट करना आता है, अगर आता है तो कैसे करते हैं जल्दी से बताओ, आप लोगों के पास 30 सेकंड है, जल्दी बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। नहीं पता, मैं बताऊं, साइन 45 माइनस 30 करोगे तो साइन 15 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, वैल्यूज पुट कर सकते हो। 45 क्या होता है 1/√2, ये होता है रूट थ्री बाई टू, ये क्या होता है 1/√2, ये क्या होता है 1/2। सोल्व करोगे वैल्यू मिल जाएगी, साइन 45 1/√2 सोल्व करने पर आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियरली मिल जाएगी। जब इसको सोल्व करोगे ना, ये जो टर्म आएगी ऊपर वाली, इसकी वैल्यू आप लोगों को जनरली मिलने वाली है √3 - 1/√2 और नीचे 1/√2, ठीक है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आप लोगों को ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का भाई एग्जाम्पल था, अब लिखना है इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी करो भाई, डू इट फास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। अब बोल क्या रहा है भाई, टू वेट्स पी एंड क्यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ओ बाय अ स्ट्रिंग ओ ए एंड ओ बी एंड आर केप्ट अपार्ट बाय अ लाइट रोड ए पी। तो यहाँ तक बनाते हैं आप, सबसे पहले बोल क्या रखा है, दो वेट है भाई P और Q, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग है ओ ए और ओ बी, उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। ये O पॉइंट है, मैं डायग्राम थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, ये O पॉइंट है, ठीक है, ये मेरे पास क्या स्ट्रिंग है, एक A है और एक क्या है बी है, इनको क्या करते हैं भाई, अपन रोड की हेल्प से दोनों को अलग अलग करते हैं, ठीक है, रोड की हेल्प से दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो वेट लटका दिए, एक तो पी है
और एक क्या है क्यू है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एंगल अल्फा एंड बीटा विद द रोड, स्ट्रिंग क्या कर रही है अल्फा और बीटा एंगल बना रही है, तो इस एंगल को मान लिया अपने अल्फा, इस एंगल को कितना मान लिया बीटा मान लिया। शो दैट द एंगल थीटा विद विच द रोड मेक्स विद वर्टिकल इज गिवन बाय, तो ये रोड है ये वर्टिकल यानी कि ऐसे जो ये एंगल बना रही है ये क्या दे दिया इसने थीटा दे दिया। अब बोल रहा है अगर ये ऐसा है तो देन प्रूव दैट जो मेरे पास टेन थीटा होगा क्या होगा टेन थीटा दैट इज पी प्लस क्यू अपॉन पी कोट अल्फा माइनस क्यू कोट बीटा। ठीक है, ये अपने को क्या करना है प्रूफ करना है। क्वेश्चन को एक बार ये और समझा देते हैं आप लोगों को। जनरली क्या बोला गया है, एक पॉइंट है ओ, यहाँ से दो स्ट्रिंग निकल रही है, एक तो ओ बी और एक ओ ए, ओ ए और ओ बी के ऊपर आपने वेट लटका दिए, वेट लटका दिए तो टेंशन आएगी। ठीक है, क्या आएगी टेंशन आएगी, तो यहाँ पर जो टेंशन है यहाँ पर मान ली टी वन टेंशन है, यहाँ पर जो टेंशन है उसको मान लिया टी टू टेंशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे देखो। अब ये रोड है, रोड के कारण भाई जनरली यहाँ पर क्या आएगा थ्रस्ट आएगा, क्या आएगा थ्रस्ट, यहां पर जो बी पॉइंट के ऊपर थ्रस्ट लगेगा उसको मैं एस नाम दे रहा हूं। ठीक है, और बाहर की साइड होगा, सिमिलरली सेम रोड है तो थ्रस्ट भी क्या होगा सेम होगा, तो यहां पर जो थ्रस्ट लगेगा वो भी मैंने क्या मान लिया एस मान लिया। ठीक है, क्या है एस है। अब जनरली क्वेश्चन के अंदर करने क्या वाले हैं, अपने को फाइंड आउट क्या करना है, अपने को फाइंड आउट यानी कि टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक क्या है ए पॉइंट है। अब दोनों के ऊपर थ्रस्ट सेम है तो थ्रस्ट की इक्वेशन निकालेंगे और इक्वेट करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। उससे पहले एंगल फाइंड आउट करते हैं, जो ये एंगल है ये थीटा है तो ये क्या होगा भाई, ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये कंप्लीट लाइन है, ये क्या है कंप्लीट लाइन है, तो अगर मैं 180 में से थीटा माइनस कर दूं 180 माइनस थीटा तो ये मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ये बीटा है, और ये एंगल कितना होगा अगर मैं 180 में से बीटा माइनस कर देता हूं 180 माइनस बीटा। ठीक है, अब आगे चलो, ये थीटा है ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा ये है तो ये भी कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा ये कितना बच जाएगा भाई, ये थीटा आ जाएगा। समझ गए, ये कितना आ जाएगा थीटा। अब इस एंगल के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग कहोगे अगर मैं 180 में से अल्फा माइनस कर दूं, ये पिक स्ट्रेट लाइन है 180 में से क्या कर दिया अल्फा माइनस करते हैं, ये मेरे पास सारे एंगल आ गए। अब करने क्या वाले हैं, अपन लेमिस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। ये तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख के आना होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको अच्छे से लिख के आना, क्योंकि देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 180 होगा, ये अल्फा है तो 180 माइनस अल्फा, ऐसे लिख के आना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, आपा क्या करने वाले हैं भाई, लेमी थ्योरम अप्लाई करते हैं बी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, पॉइंट बी, तो सबसे पहले क्या करो डायग्राम की फॉर्म में बना लो इसको, ये बी पॉइंट है, इस साइड मेरे पास टेंशन है टी टू, इस साइड मेरे पास थ्रस्ट लग रहा है, और यहां पर मेरे पास क्या है वेट है क्यू। अब क्यू और टी टू के बीच का एंगल कितना है, क्यू और टी टू के बीच का एंगल है थीटा प्लस बीटा, ये एंगल कितना आ गया मेरे पास थीटा प्लस बीटा। अब टी टू और एस के बीच का एंगल, ये टी टू है ये एस है, इसके बीच का एंगल कितना है 180 माइनस बीटा, ये लो 180 माइनस बीटा, और एस और क्यू के बीच का एंगल, एस और क्यू के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये जनरली क्या आ गया एस और क्यू के बीच का एंगल आ गया। लेमी थ्योरम लगाओ, लेमी थ्योरम क्या बोलती है, फोर्स कितनी है टी टू है, टी टू के सामने वाला एंगल है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा। ठीक है, वही आइडेंटिटी, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। एस के सामने वाला एंगल क्या है भाई, एस के सामने वाला एंगल है थीटा प्लस बीटा, दैट इज साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा। ठीक है, क्यू के सामने वाला एंगल क्या है भाई, क्यू के सामने वाला एंगल है साइन ऑफ 180 माइनस बीटा, तो इसको अपन डायरेक्ट लिखते हैं साइन ऑफ बीटा। तो यहाँ से लास्ट टू टर्म को कंपेयर करके मैं एस की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो एस की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी भाई, क्यू इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा अपॉन साइन ऑफ बीटा, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करो, लेमी थ्योरम अप्लाई करो, कहाँ पर ए पॉइंट के ऊपर।
ठीक है, पॉइंट ए, तो यहां पर लिख देते हैं पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर लेमी थ्योरम लगाएंगे, तो यहां पर मेरे पास क्या है, टेंशन है टी वन, यहां पर मेरे पास क्या है, थ्रस्ट है, और ये मेरे पास वेट है पी। तो T1 और P के बीच का एंगल, T1 और P के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा। T1 और P के बीच का एंगल ये पूरा होगा, ये 180 माइनस थीटा है, ये अल्फा है, तो 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा। T1 और S के बीच का एंगल, T1 और S के बीच का एंगल है 180 माइनस अल्फा, तो ये हो गया 180 माइनस अल्फा। और ये हो गया P और S के बीच का एंगल कितना है, थीटा, ये P और S के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले T1, T1 के सामने वाला एंगल क्या है, थीटा है, तो दैट इज साइन ऑफ थीटा। S के सामने वाला एंगल कितना है, S के सामने वाला एंगल है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा। और P के सामने वाला एंगल कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा, तो इसको साइन ऑफ अल्फा लिख देते हैं। ठीक है, अब 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा है, तो ये जनरली क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास S साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, ये प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की, P अपॉन साइन ऑफ अल्फा, और ये मेरे पास क्या आ गया, T1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से S की वैल्यू निकाली, तो मेरे पास क्या आई, P इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकेंड आ गई। तो अब एक बात बताओ, दोनों साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में S S है, यानी कि थ्रस्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इसको लिखना है, लिख लो, मैं रफ कर रहा हूँ। और एक है ना, स्टैटिक्स में नोट्स साथ की साथ बनाते हैं ना, वरना चीजें समझ में नहीं आएगी। तो यहां पर देखो, इक्वेट करते हैं दोनों टर्म को, मैं लिखूं या साथ की साथ समझाऊं, चलो मैं समझा ही देता हूं साथ की साथ। P साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन अल्फा किसके इक्वल आएगा भाई, ये इक्वल आएगा इस टर्म के, क्यू साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा अपॉन साइन ऑफ बीटा। अब इनको सोल्व करना है भाई, अपना जो काम था ना, मेन काम, वो अपना हो गया, अब इनको सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व कैसे करोगे, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी यूज कर सकते हो, पी साइन ऑफ थीटा कोस अल्फा माइनस कोस थीटा साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा इजिकल टू क्यू, क्या होगा, साइन थीटा कोस बीटा प्लस कोस थीटा साइन बीटा अपॉन साइन ऑफ बीटा। ठीक है, अब देखो, पी साइन थीटा, इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं, अब इसके नीचे भी मैंने क्या लिखा, साइन ऑफ अल्फा, और इसके नीचे भी साइन ऑफ अल्फा, तो साइन थीटा लिखा, कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ये जनरली कोट अल्फा होगा आप लोगों का, माइनस साइन अल्फा से साइन अल्फा गया, इस साइड क्या बच गया, कोस थीटा। ठीक है, अब इस साइड दोनों को अलग अलग कर लो, साइन ऑफ बीटा, ये भी साइन ऑफ बीटा, तो यहाँ पर क्या बच गया, क्यू साइन थीटा कोट बीटा आ गया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट बीटा, प्लस का यहाँ से साइन बीटा से बीटा गया, ये बच गया कोस ऑफ थीटा। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोनों साइड कोस थीटा से क्या करो, डिवाइड। अब कोस थीटा से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, किससे, कोस थीटा से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, तो यहां पर मेरे पास क्या बच जाएगा, कोस थीटा से दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूं, कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा कोट अल्फा, कोस थीटा से इस साइड, जैसे इसके नीचे भी कोस थीटा, इसके नीचे भी कोस थीटा, तो ये जनरली क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसको अब क्या करो, कोस थीटा से इसको भी करना है, तो ये टेन थीटा कोट बीटा प्लस।
ठीक है, लाइन आपको लिखनी होगी कि दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, कोस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, और कुछ कॉमन आ रहा है तो टर्म्स को इधर उधर कर लो। जैसे पी के अंदर मल्टीप्लाई करना, ठीक है, पी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पी टेन थीटा कोट अल्फा माइनस पी इज इक्वल टू इस साइड क्यू टेन थीटा कोट बीटा प्लस का क्यू। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, पी माइनस क्यू, एक सेकेंड, पी टेन थीटा कोट अल्फा इस साइड लेके आ रहा हूं इसको, माइनस का, एक काम करो यार, चलो ठीक है, इसको इस साइड लेके आ रहा हूं क्यू टेन थीटा कोट बीटा, और इस साइड क्यू है, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का पी हो जाएगा। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन, टेन थीटा कॉमन निकालो दोनों में से, टेन थीटा कॉमन निकालते हैं तो यहां पर क्या बच गया भाई, यहां पर बच गया पी कोट अल्फा माइनस का क्यू कोट बीटा, ठीक है, और इस साइड क्या बच गया पी प्लस क्यू, लिख लो इसको। प्रूफ क्या करना था, टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये आ गई पी प्लस क्यू अपॉन पी कोट अल्फा माइनस क्यू कोट बीटा। ठीक है भाई, ये आप लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था, यही चीज प्रूफ करनी थी ना, तो ये अपन ने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। ठीक है, तो ये भाई मेरी तरफ से जो मेरी बुक्स के अंदर एग्जांपल थे, मतलब जो मेरे पास बुक है उसके अंदर जो एग्जांपल थे वो मैंने कवर करवा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो मैं इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर देता हूं यहां पर, क्रिएटिव स्टडी एके, यहां पर जाके आप लोग जो भी आपके डाउट हैं पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।